जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 2 अगस्त 2023 का करेंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ज़्यादातर इसमें जो हम लोग मेन्स का एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो भी काफ़ी हम लोग अच्छे से करते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे करेंट अफेयर्स होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उन सभी को मैं पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके, सिलेबस देख करके लेकर के आता हूँ। और इसमें हम लोग देखते हैं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ, इस इनमें जो भी टॉपिक्स अगर इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, उन सभी को मैं हिंदी में लेकर के आता हूँ। हम लोग हर दिन एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल में हम लोग उसमें अपलोड करके एक दूसरे का रिव्यू भी करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देखिए जा करके आपको आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम खुद ओपन करेंगे, वहां पे सर्च कर लेंगे केलो IAS एकेडमी, तो आपको वहां से भी जो है कि इस तरीके का ये चैनल आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। आप उसमें आंसर रिव्यू भी कर सकते हैं और अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके उसमें डाल भी सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे मेहनत को आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं बेहतर हैं, अच्छी लग रही है, तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेली मैप प्रैक्टिस जो करते हैं, उसी तरीके से हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से हीट वेव्स, इसको देखेंगे, अभी न्यूज़ में है। फिर अल नीनो के प्रभाव, इसी के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। फिर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज देखने वाले हैं। देखिए जो हीट वेव्स है, इसको आप अच्छे से समझेंगे अभी, क्योंकि ये न्यूज़ में है और हमारे को इसमें इसी से मेंस का यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद से कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये अभी न्यूज में है, तो इसको हम लोग समझेंगे। फिर MSME के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष, तो ये क्या है इसके बारे में समझेंगे। फिर महिला बाल श्रम भागीदारी, कल मैं बहुत बेहतर तरीके से महिला के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए, उन सभी को मैं बहुत अच्छे से हर चीज को बताया हुआ हूँ, और काफी अच्छे से पूरा केवल महिलाओं से संबंधित जितने भी बातें हैं वहाँ पे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में कवर किया हूँ, और काफ़ी अच्छे से उसको हर चीज़ें कवर किया हूँ। एक बार आप जरूर जा करके देखिएगा, क्योंकि महिलाओं से एक ना एक प्रश्न, उनसे जुड़े हुए प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो आप लोग हर एक तरीके से तैयार रहेंगे, अगर आप उस वीडियो को एक बार देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छे से आपका एक तैयारी हो जाएगा वहां से। ठीक है, और हम लोग ये जो अभी देखने वाले हैं, इसको भी हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, उसमें आप लोग ऐड करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैप प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम लोग मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत जितने भी हमारे हिंद महासागर में जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं, महाद्वीप हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। छोटे छोटे जो महाद्वीप हैं बीच बीच में, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब द्वीप द्वीप होते हैं ना, छोटे छोटे महाद्वीप नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हिंद महासागर है, ये हमारा प्यारा भारत, और फिर यहाँ से दक्षिणी क्षेत्र में आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इंडिया को बेस माने और फिर इसी के हिसाब से हम लोग देखें, तो हम लोग देखते हैं कि आप यहाँ पे देखते हैं लक्षद्वीप, तो हम लोगों के यानी कि इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे कि सबसे करीबी क्षेत्र में आपको दिखेगा लक्षद्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप के बाद से ये हमारा है ना, लक्षद्वीप ये अपना ही है लेकिन द्वीप है, तो इसलिए हम लोग को इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद से आप पश्चिमी क्षेत्र में आप देखते हैं यहाँ पे कि आपको ये दिखेगा सोकोत्रा, सोकोत्रा द्वीप, और ये यमन का जो है, यमन ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये यमन है, तो इसका क्षेत्र जो है ये छोटा सा द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद से दक्षिणी क्षेत्र में आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको मालदीव दिखेगा, और मालदीव के बाद से, मालदीव अपना नहीं है, ये अलग से स्वतंत्र देश है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। ये हमारे मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र में है और ये हमारा एक अलग से यहाँ पे ये केंद्र केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर आप देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, या फिर हम लोग इसको पूरा दक्षिणी ही मान लेते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडोनेशिया के ये पश्चिमी क्षेत्र में है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये आप शायद आप लोगों नहीं दिख रहा होगा, तो ये बनेक आइलैंड है, ठीक है, ये इंडोनेशिया के अंतर्गत है। तो उतना क्लियरिटी तो नहीं दिख रहा है, फिर भी जितना समझ में आ रहा है उतना हम लोग देख लेते हैं। और फिर आगे और बढ़ते हैं, और दक्षिणी क्षेत्र में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेशल्स द्वीप दिखेगा, ठीक है। तो ये सेशल द्वीप, ये भी हमारा ये हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि कोमोरोस, ठीक है, फिर मेडागास्कर और फिर मॉरिशस, फिर कोकोस आइलैंड। तो ये सब कुछ आइलैंड जो है ना, वो लोग थोड़ा न्यूज में ज्यादातर चर्चे में रहते हैं। तो ये सब मेन मेन जो है इनको मैं आपको बता दिया हूँ, ये लोग थोड़ा सा ज्यादा, ये लोगों थोड़ा ध्यान रखेंगे, बीच बीच में हमेशा न्यूज में रहते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, लेकिन हम लोग जितना याद रह पाए उसी तरीके से देखेंगे। बीच बीच में और भी कुछ अगर न्यूज में रहेगा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये भी एक मैप का ही डिस्कस करें, समझ लीजिए, क्योंकि ये भी न्यूज में अभी चल रहा है, ये सी पैक, ठीक है, हम लोग इसको सी पैक भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो है ये अभी न्यूज में चल रहा है, तो हम लोगों को देखिए ये क्या है ना। और इससे पहले मैं BRI भी पढ़ाया था, यानी कि वन बेल्ट वन रोड, जो अलग से हम लोग जो चाइना हर तरफ एक अपना बिजनेस के लिए जो रूट या फिर कॉरिडोर जो तैयार कर रहा है हर तरफ से, उसको हम लोगों ने कल देखा था। देखिए मैं उसको उतना ज्यादा अच्छे से डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज हमारे लिए जितना नॉर्मल जानना है बस उतना ही जानना है। अगर कुछ वैसा लगेगा तो मैं बताऊंगा। हमारे लिए वहां से प्रश्न जिस तरीके से बन रहा है, देखिए एक बार प्रश्न बना था वहां से, वन बेल्ट वन रोड, केवल इतना बना हुआ था कि वन बेल्ट वन रोड किससे संबंधित है, ये किसकी योजना है, तो चाइना की योजना है, हम लोग नॉर्मली जान रहे हैं। दूसरा चीज जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें जो है हमारे को मैप से प्रश्न बनेगा। तीसरा चीज ये है कि ये हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्ट जो है, मतलब हम लोगों को किस तरीके से इफेक्ट करता है। अगर हम लोगों मेंस के दृष्टि से देखें तो कोई अगर ये चाइना का जो जितना ही योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को एक घेरने का भी जो चाइना का एक प्लान है उसको हम लोग को दिखता है उससे, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई भी अगर जो चाइना का प्लान है, तो उससे हम लोग को सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा मेंस की दृष्टि से कि किस तरीके से हमारे को ये एक प्रभावित करेगा, ठीक है, और बाकी बेसिक जो जानकारी है बस उतना। तो उतना चीजें मैं ध्यान में रख रहा हूँ, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैप को अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा, ताकि वो, क्योंकि मैप आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जितना भी अगर प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें ज्यादातर मैप से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जो ये सीकेप है, ये अभी सीपेक है, ये अभी न्यूज में चल रहा है, आप देखे होंगे, द हिंदू से संबंधित है ये। इसमें आप देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान और चीन जो है, इन्हीं दोनों का मेन ये योजना है, ठीक है, इन्हीं दोनों का योजना। हम लोग इसमें कुछ शामिल नहीं है, बल्कि हम लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो गलियारा है ये अभी न्यूज में चल रहा है, और चाइना ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये मिल करके दोनों, इन दोनों का ये योजना है, तो दोनों मिल करके एक अपना रोड बनाना चाहते हैं, यहाँ से एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। कई बार आप ये भी सुनेंगे कि रेलवे रूट, यहाँ पे रेलवे रूट भी बनाएंगे और फिर एक अलग से कॉरिडोर जैसी ये मेन रोड भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें चल रही हैं, अभी भी ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये सीपेक जो है, ये है आपको, ये जो गलियारा है ये आपको दिखेगा यहाँ पे चाइना के, ये कासगर, ठीक है, कासगर इस तरीके का नाम है, वहां से होता हुआ ये ऐसे करके ये होता हुआ आता है यहाँ पे, ये गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए आपको यहाँ पे देखेंगे कि इस्लामाबाद से होते हुए लाहौर, और इस तरीके से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाता है। हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जो ये गिलगित जो बाल्टिस्तान है, ठीक है, बाल्टिस्तान है ये वाला जो क्षेत्र है,
लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो मैप है इंडिया का, ये पूरा मैप है यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाला जो हम लोग देखे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान है इसमें ये दबाव बना करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोगों का, हम हमारा और ये पाकिस्तान के बीच में ये विवादित क्षेत्र है, ठीक है? तो पाकिस्तान यहाँ पे एक तरीके से अपना मान करके तुरंत अलाउ कर दिया है ना? तो ये भी एक हमारे लिए थोड़ा सा एक विवादित मुद्दा हो गया है। और चीन भी ये चीज को जानते हुए भी यहाँ से रोड लेकर के आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर हम लोग ये देखें, एक दूसरे तरीके से सोचें, मैप हम लोग को तो ये समझ में आ गया, ठीक है? तो ये आपको मतलब जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपरी क्षेत्र में आप यहाँ पे देखते हैं कि ये पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा ये श्रीनगर के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ये कश्मीर इस तरीके से कहते हैं। तो ये लोग इस यहाँ पे कब्जा करके रखे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, लगातार हम लोग एक दूसरे में ये ज्यादातर विवाद इसे चल रहा है पाकिस्तान और भारत का। अब इसमें चीन भी बीच में आ रहा है और आ ही नहीं रहा, बल्कि रोड भी बना रहा है इधर से, ठीक है? और हम लोग क्या प्रॉब्लम है, क्या खतरा है, देखिए ये जो रूट आप देख रहे हैं, ये रूट को अगर आप देखते हैं तो ये लाहौर से होते हुए ये जिस तरीके से आपको यहाँ मैप में दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा ये हमारे नज़दीक, हमारे बॉर्डर एरिया से नज़दीक से होते हुए ये गुजर रहा है, ठीक है? तो इससे हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप खुद देख करके एनालिसिस कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों के इतने करीब में अगर हमारे बॉर्डर लाइन से इस एरिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा, तो आगे चल करके क्या होगा कि हमारे ये जो बॉर्डर लाइन्स हैं, ठीक है, और हमारे देश की पूरे राज्य हैं, यहाँ पे लोग हैं, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ का खतरा हमेशा बना रहेगा इनसे। प्लस अगर आगे चल करके कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है, कोई अगर कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो भी हम लोग को क्या हो, यहाँ से हम लोग को लगातार जो है खतरा मतलब ज़्यादातर बना रहेगा, है ना? प्लस ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ये जो जो ग्वादर बंदरगाह है जो पाकिस्तान का है ये, तो यहाँ से आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में फिर ये अरब सागर में जो है बहुत अच्छा खासा पहुंच बना लेगा ये चाइना। फिर क्या करेगा, इस क्षेत्र से आप देखेंगे कि ये भारत में इधर से जो है ज़्यादा मतलब आसानी से एंटर कर सकता है, ठीक है, या दबाव बना सकता है। और इकोनॉमिक तरीके से देखें तो ये जो है लगातार आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये आ गया तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा कि यहाँ से ये पूरा अरब कंट्रीज में ये घुस सकता है। फिर उधर भी अपना जो है एक इकोनॉमिक, जैसे कि हमारा क्या है इधर बहुत अच्छा बनता है सभी से, लेकिन अब ये भी एंटर कर रहा है तो यहाँ भी एक इसका बिजनेस क्रिएट कर रहा है ना? तो ये भी एक हमारे लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ से। और जिस तरीके से मैं बताया कि एक खतरा भी है हमारे लिए, ठीक है? तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम लोग के कारण से जो है हम लोग थोड़ा सा विवादित मुद्दा है ये, ठीक है? और खास करके ये हम लोगों के लिए ज़्यादा ये एक विवादित मुद्दा है क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से लेकर के जा रहा है और पाकिस्तान इसको अलाउ भी कर दिया है वो अपना समझ करके, ठीक है? तो इसलिए ये ज़्यादातर थोड़ा इशू होता है। तो हम लोग क्या है मैप में देखें और मेंस की दृष्टि से जो मैं बताया कि इसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है तो उतना समझें हम लोग, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं है, कुछ खास बातें देख लेंगे यहाँ पे। जैसे ये 3000 यहाँ पे किलोमीटर लंबा एक मार्ग बनेगा ये, और ये पाकिस्तान और चीन के बीच में द्विपक्षीय परियोजना है, ठीक है? और इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा, औद्योगिक और ये बुनियादी ढांचा का विकास परियोजना है इस तरीके से। इसमें क्या क्या रहेगा, तो राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन वगैरह ये सारी चीज़ों का ये लोग बनाने का प्लान किए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये पाकिस्तान में जो है पूरा कनेक्टिविटी बढ़ेगा। और प्लस यहाँ पे ये भी है कि जैसे जो ये चीन है वो ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से पूर्व और अफ्रीका जो मैं आपको बताया इधर ये वाला क्षेत्र में जो ग्वादर बंदरगाह है, अब यहाँ से चाइना जो चाहेगा पूरा इधर अपना अफ्रीका क्षेत्र में, ठीक है, इधर पूरा क्षेत्र जो है उधर आप देख रहे हैं उधर वो पहुंच पाएगा, पूरा यूरोपीय क्षेत्र में भी उसको पहुंचने में आसानी होगा। वही सब बातें बोली जा रही है, मध्य पूर्व क्षेत्र में पहुंचना भी आसान हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें होंगी। फिर ये चीन
चीन जो है हिंद महासागर तक पहुंच प्राप्त कर सके, तथा चीन के बदले पाकिस्तान के यहाँ पे ऊर्जा संकटों को दूर करने में भी यहाँ पे एक मदद मिलेगा। यही बताया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो है, अगर ये एक डेवलपमेंट, ये बहुत मतलब एक बड़ा डेवलपमेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चाइना जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चा किया हो, जो मैं आपको जो BRI जो बताया था पिछले दिन में, नॉर्मल ही बताया था, लेकिन आप देख रहे थे कि उसका मैप किस तरीके से कहाँ रोड बना करके लेकर के जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। अब यहाँ से लेकर के आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ तक ग्वादर बंदर का तक उसको पूरा डेवलपमेंट करना, हर चीजों को देखना है, रोड बनाना है, ठीक है, तो काफी कुछ यहाँ पे पाकिस्तान का जो है डेवलप हो जाएगा, लेकिन हमारे हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो देखते हैं आगे चल करके अभी क्या होता है। तो यही सारी बातें हैं, और जो ये जो अभी ये कॉरिडोर बन रहा है, या फिर ये CPEC जो जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, वो BRI का ही एक हिस्सा है। मैं आपको 6 यहाँ पे हिस्से बताया हुआ था कल BRI का, उसी में से एक है ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, रुक जाइए दिखाता हूँ आसपास में होगा। हाँ देखिए, ये है कॉरिडोर जो बना रहा है ये पूरा, ठीक है, इधर से भी ये पूरा यूरोप में घुसने का मामला यहाँ पे है। फिर ये वाला देख रहे हैं आप, यही है जो कि ये कासगर से लेकर के ये ग्वादर बंदरगाह तक, इसमें बहुत छोटा दिख रहा था, मैप अच्छे से नहीं दिख पा रहा था, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इधर से भी ये पूरा मैप देख रहे हैं कि लगातार चाइना जो है पूरा इधर से ये अफ्रीका क्षेत्र, पूरा यूरोपीय क्षेत्र, पूरा ये दक्षिणी इधर दक्षिणी एशिया क्षेत्र में भी, ठीक है, ये सब तरफ जो है वो ज़्यादातर प्रभाव बना रहे हैं अपना। और देखिए यहाँ पे जो जो ये इकोनॉमी कॉरिडोर है, ये 6 प्रकार की है, उसी में से हम लोग का ये है एक, ठीक है, CPEC, बाकी इसी तरीके से और भी है, आप देख रहे हैं ये, तो ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है, हीट वेव जो है अभी यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी जो है गर्मी जिस तरीके से हम लोग का, एक गर्मी भी बहुत ज़्यादा हम लोग को देख रहे थे कि पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो हीट वेव जो आ रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, जिसको हम लोग इंडिया मेट्रोलॉजिकल यहाँ पे डिपार्टमेंट यानी कि IMD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये जो है लगातार इसकी अच्छी भूमिका रही, और हम लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछला जो समय था उसमें हीट वेव से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो जा रही थी इस कारण से, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है कमी आई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिला है। और ये जो प्रयास जो हुआ है वो IMD के प्रयासों से, मतलब एक मुख्य भूमिका थी जो IMD है, इंडियन यहाँ पे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसका बहुत बड़ा भूमिका था, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया, तो मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा और आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से एक मेंस का प्रश्न अभी मैं देने वाला हूँ, तो आपको उसका आंसर राइटिंग करना है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हाल ही में IMD ने हीट इंडेक्स के रूप में भी एक मूल्यवान उपकरण पेश किया, जो कि यहाँ पे तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो जो IMD है वो हम लोगों को इसी प्रकार से जो है जितने भी क्लाइमेट जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जो पूर्वानुमान है वो सब लगा करके हम लोगों को जो है ये इन्फॉर्म करता है, तो IMD का ये सब कार्य है। अभी आप देखे थे कि जो बारिश इस बार नहीं होगा हमारे देश में, ये एक पूर्वानुमान लगाया गया था IMD के थ्रू, ठीक है, और जैसे ये अभी जैसे हीट वेव उस समय की जो आते हैं, उस समय भी जो IMD के द्वारा बताया गया था, है ना, कि किस तरीके से हीट वेव है, पहले से ही हर चीज़ सूचनाएं वगैरह, हर चीज़ का कितना प्रभाव पड़ेगा। और इसी में जैसे ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बारिश नहीं होगा करके IMD का उस समय एक सूचना निकला हुआ था, तो हम लोग पढ़े थे उस समय। अभी फिर IMD का एक यहाँ पे सूचना निकला है कि बारिश अब जो है बारिश बढ़ने की संभावना है। समझेंगे ये सब चीजों को भी अच्छे से।
चलिए आगे आते हैं हम लोग और समझते हैं पहले हीट वेव क्या है। सबसे पहले तो हम लोग यही समझना पड़ेगा, न्यूज में क्या है, क्यों है, ये सब चीजें हम लोग समझ गए। अब हम लोग को इसका बेसिक चीजों को समझना है, ठीक है। तो देखिए, जो हीट वेव है वो गर्म मौसम, जो कि थोड़ा सा हाईएस्ट है, जो गर्म में रहता है, उच्च उच्च प्रकृति का गर्म जो है वो मौसम की लंबी अवधि होती है, जो कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। तो इस तरीके की जो यहाँ पे मौसम का एक प्रकृति है उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो कि जो हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक छोटा सा हीट वेव क्या है इसके बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग तो समझ गए कि हीट वेव क्या है, तो हीट वेव क्या कारण से हो सकता है, तो हम लोग और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं। कुछ मेन मेन पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इनका भूमिका होता है ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन सभी से जितने भी, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म ईंधन लगातार हर कोई हर चीजों में लगातार यूज हो रहा है, तो उसके कारण से जितने भी हीट निकल रहे हैं वे सभी कहीं ना कहीं ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ये लोग मदद कर रहे हैं। वनों की कटाई, अब जितना हीट वेव जो है, जितने भी कार्बन्स हैं, ये सब चीजों को अब ये पेड़ जो है ये सब अवशोषित करके जो एक क्लाइमेट का जो एक नॉर्मल सामान्य प्रकृति है बना करके रखते थे, इन्हीं की कटाई हो जा रही है। तो अब वो क्या है, जो हीट वेव जो है और जो ये जीवाश्म ईंधन है, जो एक गर्म हवाएं जो है जो लगातार इस तरीके से ईंधन से हर चीजों से निकल रही हैं, उन सभी को अब कोई भी अवशोषित करने वाले उस तरीके से जितने भी चीजें हैं वो बचे नहीं हुए हैं, मतलब बहुत कम बचे हुए हैं, तो उस कारण से भी बढ़ रहा है, ठीक है। औद्योगिक गतिविधियां वो सब चीज तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पे तो हीट वेव का बात करें तो हम लोग उसमें इसको ग्लोबल वार्मिंग मानेंगे। फिर शहरीकरण, शहरीकरण में भी सेम वही कंडीशन होता है, हम लोग जान रहे हैं कि अब शहरीकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, भूमि कम हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो इन सभी कारण से भी हीट वेव बढ़ता है। फिर अल नीनो का प्रभाव, तो जो अल नीनो का प्रभाव है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ लेकिन एक बार और समझेंगे। जो ज्योग्राफी का ये सब टर्म्स होता है तो हम लोग क्या है बार बार भूल जाते हैं एग्जाम के समय में, तो इसको हम लोग को फिर से पढ़ना जरूरी है, और ये लगातार न्यूज में भी है क्योंकि हीट वेव के समय में अभी जैसे, फिर उस समय भी अनुमान इसी ये IMD के द्वारा लगाया गया था कि बारिश नहीं होगा, लेकिन अभी फिर से न्यूज में चल रहा है कि फिर से IMD ने बताया है कि बारिश अब होने वाला है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि बारिश किस तरीके से हो रहा है लगातार नॉर्थ इंडिया में, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है ना। तो उसी के कारण से अभी जो है यहाँ पे ये चर्चे में हो गया। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि अल नीनो क्या है, इसके प्रभाव क्या है, सारी चीजों को हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अल नीनो और यहाँ पे है ला नीना। अल नीनो जो है यहाँ पे दो चीजें हैं ना, दो प्रकार की चीजें हैं, तो एक है अल नीनो और एक है ला नीना, तो हम लोग को दोनों को समझना पड़ेगा तभी हम लोग समझ पाएंगे कि ये क्या व्यवस्था है, किस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं, ये जो टर्म्स है पूरा भूगोल हम लोग उस सब्जेक्ट में हम लोग काफी अच्छे से ये सब चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि एक जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में आप देखेंगे, मैं आपको मैप में देख दिखाता हूँ तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो ये है अल नीनो का, यहाँ पे आप देख रहे हैं अल नीनो का प्रभाव इस तरीके से आप दिखेगा और ला नीना का इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा इंडोनेशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, और ये आप देख रहे हैं कि उत्तरी क्षेत्र में ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है। और ये किनारे वाले क्षेत्र को आप देख रहे हैं तो ये है पेरू का तट, ठीक है। तो इसमें
तीन चीजें हम लोगों को समझना है, तीन चीजें बस। एक तो ये पेरू का तट जो है वो इसमें, मतलब तीन चीजें जो है इंक्लूड रहती हैं। एक तो ये पेरू का तट, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे हवाएं, और यहाँ पे तीसरा है जो महासागर की स्थिति। ठीक है, अब एकदम माइंड को क्लियर करके हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग ला नीना को समझेंगे, फिर हम लोग अल नीनो पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो ला नीना है ना वो सामान्य स्थिति है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, ये है व्यापारिक पौने। ठीक है, जो है इधर से इस तरीके से जो व्यापारिक पौने आती है ना, ये व्यापारिक पौने हैं जो कि पूरे वर्ल्ड भर में इस तरीके से वो चलती है। ठीक है, एक स्थिति आप समझिएगा इसको, इस तरीके से व्यापारिक पौने चलती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कंडीशन ये होता है कि ये जो पेरू का तट है, आप देख रहे हैं कि हवाएं ऐसे आएंगी, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि आप यहाँ से हवाएं टकराएंगी, टकराने के बाद से फिर वो इधर मुड़ करके इस ओर आने लगेंगे। और ये किस ओर है, यहाँ पे तो है हम लोग आगे, आप यहाँ तो मैप नहीं दिख रहा है, हम लोग का इंडिया दिखेगा यहाँ इसके बाद से, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के बाद से फिर तो हम ही लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से हवाएं टकराती हैं और फिर ये इधर की ओर मुड़ जाती हैं। तो जब इस तरीके से हवाएं लगातार इधर से चलते रहती हैं ना, तो यहाँ की जो पूरा जो गर्म हवाएं हैं, ये पूरा गर्म हवा सब जो है एक साथ इधर मुड़ करके हवाएं इधर आ जाती हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ की हवाएं, अब यहाँ से हवा निकल गया, जो गर्म हवा निकल गया, तो यहाँ बचा ठंडा हवा। तो जब ठंडा हवा यहाँ पे बचता है और यहाँ की गर्म हवा में जा करके यहाँ पे जम जाती हैं। ठीक है, अब गर्म हवाएं इस जगह पर आएंगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ का जो समुद्र है वो बहुत अधिक गर्म होगा। गर्म होने के बाद से क्या होगा, वाष्पन क्रिया होगा। ठीक है, अब वाष्पन क्रिया होगा तो क्या होगा, वाष्पन क्रिया होने के बाद से इसी इसी के ऊपरी क्षेत्र में मतलब बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। और इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ से गर्म हवाएं चली गई, यहाँ तो ठंडा हवा पहले से ही ठंड है। ये पेरू का तट इस क्षेत्र में, इस प्रकृति में, ला नीना की स्थिति में यहाँ पे ठंडा हो जाता है, मतलब ठंडा रहता ही है, और नॉर्मल स्थिति है तो ठंडा रहता है। तो इधर उस तरीके से बारिश नहीं होता, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होता है। और यही बारिश जो है हमारे को भी पूरा प्रभावित करता है, और हमारे जो इंडिया में भी इसी कारण से जो है हम लोगों को बारिश हमारे देश में होता है। एक 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 प्रभाव इसका भी है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी जो बता रहे हैं हम लोग, आज आप एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से, इसको एक बार समझ लेंगे, फिर अगर आपको न्यूज में कभी भी आईएमडी के तरफ से बताया जाए कि इस बार बहुत धूप होने वाला है, अलनीनो का प्रभाव अधिक है, लानीना का प्रभाव कम है, अधिक है, इस तरीके कुछ भी है, आप समझ लेना कि क्या घटना हो सकता है। अभी जैसे मैं बोलूं कि इस स्थिति में जो है एकदम एक चीज, हर चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बस आप समझो धीरे से, हर चीज क्लियर होगा आपको। मैं यहाँ से आपको बोलूं कि हमारे अभी जो हमारे देश में अभी जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है हर तरफ, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ला नीना जो है, ला नीना का प्रभाव बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि ला नीना की स्थिति में आप देख रहे हैं कि बारिश हो रहा है हमारे तरफ, सब तरफ इधर हमारे एरिया में, है ना। अभी मैं जिस तरीके से आपको बताया उससे आपको ये समझ में आया इतना कम से कम कि ला नीना की स्थिति जब होती है तब हमारे देश में बारिश होता है। दोनों में अंतर भी समझाऊंगा आपको, बस यहाँ व्यवहारिक समझिए। ठीक है, अब इसी के जस्ट हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, अल नीनो में आते हैं। अल नीनो वाला जस्ट इससे उल्टा है, अल नीनो। तो अल नीनो में क्या होता है कि हमारी जो सामान्य स्थिति है जस्ट उससे उल्टा हो जाती है। वो क्या होता है कि जो व्यापारिक पौने इधर की ओर जा रही थी, वो सभी इधर से बल्कि आकर के सब जो है इस जगह पर पेड़ों के तट, यहाँ पे तट पर जो है जमा हो जाती है। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, इस स्थान पे गर्म हो जाएगा, जबकि रियल में पेरू का तट जो है वो गर्म होता है, ठंडा होता है। ठीक है, अब ठंडा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले तट पे, इधर इंडोनेशिया वाला क्षेत्र में, जस्ट उसके अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे यहाँ की जो समुद्र की एरिया है अब इधर गर्म होगी। तो जो हम लोग का वास्तविक जो गर्म होना था यहाँ पे, जब यहाँ गर्म ही नहीं होगा तो यहाँ से वाष्पन क्रिया नहीं होगा, वाष्पन क्रिया नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगा इस क्षेत्र में। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि
कि अल नीनो का जो यहाँ पे अभी आप अल नीनो की जो स्थिति आती है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे अल नीनो अगर प्रभावित हुआ तो हम लोग जो है बारिश का मतलब जितना हमारे में हमारे लिए जितना आवश्यकता है बारिश होने की हमारे देश में उतना बारिश नहीं हो पाता है अगर अल नीनो इफेक्टिव हो जाता है तब। अगर आप ला नीना को देखते हैं ला नीना इफेक्टिव होता है तो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा बारिश होता है। तो एक एक चीज को समझिएगा यहाँ पे हम लोग अल नीनो को बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अल नीनो ही है कि अल नीनो का जो है प्रभाव जो है कम पड़ा यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ अल नीनो का प्रभाव। तो केवल हम लोग अल नीनो को अगर केंद्र में रख के समझें तो यहाँ पे देखिए कि आप देखिए यहाँ पे अल नीनो यही है ठीक है। तो अगर अल नीनो का प्रभाव कम होगा तो क्या होगा अल नीनो का प्रभाव अगर कम होगा तो हमारे देश में बारिश अच्छी होगी ठीक है। अगर अल नीनो का प्रभाव बढ़ेगा बढ़ने का क्या मतलब है बढ़ने का मतलब है कि व्यापारिक पौने जो चल रही हैं वो सब उल्टा चलेंगी पेरू के तट की ओर चलेंगी तो ये प्रभाव बढ़ना होगा इसके इसके हिसाब से। तो फिर इसमें क्या होगा हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा प्रॉब्लम होगा हमारे जो एरिया में बारिश बहुत कम होंगी है ना। दोनों में अंतर थोड़ा समझते हैं तब और स्पष्ट हो जाएगा पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये है अल नीनो की हम लोग बात कर रहे हैं और ये है ला नीना ठीक है। दोनों में अंतर को समझते हैं। देखिए जो अल नीनो है वो प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर सामान्य से अधिक गर्म पानी पेरू के तट पर मैं आपको बताया पेरू के तट पर यहाँ पे जो है वो गर्म पानी वाला क्षेत्र हो जाता है जबकि वहीं ला नीना जो है वो उस जगह पर ठंडी पानी होती है उस स्थिति में। इसमें क्या होती है व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं अल नीनो में। कमजोर होने का मतलब यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है देखिए अगर किसी चीज की दिशा है जैसे ये हवा ही का हम लोग बात कर रहे हैं तो हवा का अगर दिशा है कि उसको इस ओर जाना है तो वो लगातार इस ओर जा रहा है ठीक है। लेकिन हवा का रुख अगर मुड़ जाए कोई भी चीज का रुख अगर कैसे मुड़ेगा वो अगर अगर कमजोर होगा तो मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हवा का जो जिस तरीके से हवा का जो प्रभाव था इधर की ओर जाना था है ना तो उस समय मजबूत था तो उसको इधर ही जाना था तो जा रहा है कोई रोक नहीं पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हवा जो है वो कमजोर हो गया व्यापारिक पौने कमजोर होने के कारण से जो है उनकी जो दिशा है वो मुड़ गई। अब जिसका ज्यादा प्रभाव रहेगा वही मोड़ देगा ना वही मोड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या है इसलिए बोला जा रहा है कि व्यापारिक पौनों का जो एक उनका जो प्रभाव है कमजोर हो जाती है या फिर अधिक अगर मजबूत रहती हैं तो अपनी दिशा में चलती हैं। तो अल नीनो की स्थिति में क्या हो गया कमजोर हो गया तभी तो अपने दिशा से ये दूसरी ओर उल्टा मुड़ गया जबकि ला नीना में क्या होता है कि ये मजबूत हो जाता है। भारतीय मानसून भी यहाँ पे कमजोर हो जाता है और यहाँ पे भारतीय मानसून जो है मजबूत हो जाता है अगर ऐसी स्थिति आएगी। देखिए अभी अल नीनो का प्रभाव था बोल करके बताया जा रहा है उस समय जब मतलब गर्मी के समय में थोड़ा सा इससे पहले का ही समय है जब बारिश नहीं होता तब का तो उस समय बताया जा रहा था कि इसका जो है प्रभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसलिए क्या होगा मानसून कमजोर हो गया मतलब मानसून कम होगा है ना। इसका अगर प्रभाव यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा तो मानसून कमजोर होगा इसका प्रभाव कम होगा तो है मानसून हमारे जो क्षेत्र में है वो अच्छा स्थिति होगा। मतलब अगर कमजोर हुआ तो क्या मतलब हुआ कमजोर होने का मतलब है ला नीना की स्थिति अगर अधिक बढ़ गया तो अल नीनो की स्थिति ठीक है। और क्या होता है अल नीनो में जो है यहाँ पे सूखे क्षेत्र में वर्षा होती है और वर्षा क्षेत्र में सूखा पड़ता है। ऐसा क्यों क्योंकि अब हवाएं हैं जो पवन जो यहाँ पे व्यापारिक पौने हैं वो उनका जो है कमजोर स्थिति में है वो लोग तो फिर मतलब हर चीज उल्टा ही होगा फिर वो जिधर तिधर चले जाएंगे वहां पे ही उन मतलब जहाँ पे हवाएं जिधर जिधर जाएंगे वहीं बारिश होगा तो एक उल्टा स्थिति आ जाता है और पूरा प्रकृति में फिर उलट होने लगता है। तो इसलिए इस ऐसी घटनाएं होती हैं जबकि ला नीना की स्थिति में है जो है हमारे जो यहाँ पे भारत में देखेंगे सर्वाधिक वर्षा होती है ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अल नीनो की स्थिति में मछली उत्पादन एक अलग सा एक चीज है ये सोचेगा ये भी कॉन्सेप्ट में है कि मछली उत्पादन में भी कमी आती है अगर अल नीनो का प्रभाव अधिक हो तो
लेकिन लानिना की स्थिति में जो है यहाँ पे प्रभाव जो है वो सॉरी जो मछली का उत्पादन है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा यहाँ पे, अभी जैसे बारिश हो रहा है, अभी आप लोग यदि गांव क्षेत्र में रह रहे हो तो आपको पता है कि सब लोग क्या कर रहे होंगे, जाली लेकर के दौड़ रहे होंगे मछली पकड़ने के लिए। मतलब बरसात के समय में जो है मछलियों का जो है उत्पादन अधिक होता है ना, मछली अधिक मिलते हैं इस समय निकलते हैं, तो सबका एक अपना अपना समय होता है। तो उसी तरीके से अगर बारिश हो रहा है तो उस समय मछलियां भी अधिक मिलेंगी, तो हमारे पास फिर उत्पादन भी अधिक होगा इसका मतलब। अब वहीं अगर जो अलिनो है, अलिनो में क्या होगा कि फसल का उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना हम लोग को बारिश होना चाहिए हमारे फसल के लिए वहां पे उतना बारिश नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है हमारा फसल भी कमजोर हो जाता है, जबकि लानिना की स्थिति में हमारे लिए जो है उत्पादन बढ़ जाता है। अलनिनो को छोटा बच्चा कह करके बोलते हैं, एक अलग नाम भी है, जबकि लानिना को छोटी बच्ची कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इस बात को कि अलनिना और लानिना में बहुत एकदम डिफरेंस अंतर है, उसको हमेशा क्लियर करके रखिएगा, दिमाग में अच्छे से बैठा करके रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग को एक चीज और समझ में आया कि जो लानिना है ये हमारे लिए अच्छा होता है, जबकि अलनिनो जो होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से अब बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो अलनिनो का प्रभाव कम हो रहा है और लानिना का प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। तो इसलिए ये भी एक हमारे जो क्लाइमेट का स्थिति होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होगा, ये जो है ये जो अलनिनो का स्थिति है उस पर डिपेंड करता है, कई बार ये भी मतलब इफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। अब फिर से हम लोग वापस आते हैं, कारणों को हम लोग समझ गए। तो जो IMD है, अब वो हीट वेव को यहाँ पे घोषित करने के लिए वो क्या मापदंड यहाँ पे अपनाता है, कुछ तो मापदंड होगा ना उसका, कि हीट वेव को किस स्थिति तक हम लोग हीट वेव कहेंगे। हीट और वेव का क्या मतलब हुआ, हीट का मतलब गर्म और वेव का मतलब हवाएं, तो गर्म हवाएं जो है उनको हम लोग कब मानेंगे कि अब ये जो है ये हीट वेव की स्थिति में आ गई है, तो कुछ ना कुछ एक उसके लिए पैरामीटर होगा, तो ये पैरामीटर से हमारे लिए प्रीलिम्स का प्रश्न बनता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब इसको हीट वेव कहते हैं। तो अब परफेक्टली यहाँ पे एक अलग तरीके से हम लोग पैरामीटर्स के हिसाब से भी एक बार और समझे कि हीट वेव इस तरीके से जो है उसका मापन कैसे करेंगे या फिर क्या होता है ना। आप इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं ना कि तापमान की एक ऐसी स्थिति जब मैदानी इलाके में जो है 40 डिग्री से यहाँ पे अधिक हो जाती है और पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें 30 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, तो तब ऐसी स्थिति को हम लोग हीट वेव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हीट वेव में यहाँ पे और उसी के अलग तरीके से इसमें दो बातें कही गई हैं, जैसे कि हीट वेव या फिर ग्रीष्म लहर, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब सामान्य से मतलब थोड़ा सा जैसे कि 5.5 दशमलव 4 दशमलव 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यहाँ पे 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर इस तरीके से अगर बढ़ जाता है ना, तब हम लोग यहाँ पे जो है हीट वेव को कहते हैं, हीट वेव कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं ना, पहले तो हम लोग एक अलग मापदंड देखे, फिर एक सामान्य स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे, कि सामान्य स्थिति हम लोग मान रहे हैं। सामान्य स्थिति का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि 18 के आसपास, इसको आधा कर दीजिए, 15 से लेकर के मतलब 18 से 20 के अंदर में भी रहता है तो नॉर्मल सामान्य स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा अब उससे ज़्यादा बढ़ा, 4-5% अगर बढ़ गया तब फिर हम लोग वहाँ पे हीट वेव का नाम देते हैं। लेकिन गंभीर हीट वेव भी है, ये कब होता है, ये जब होता है 6.4 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाती है सामान्य स्थिति में, तब फिर हम लोग इसको गंभीर हीट वेव कहते हैं। यानी कि हम लोग ये माने
कि जो 40 डिग्री सेल्सियस जो है मैदानी इलाके में जो है इससे भी अब अधिक हो गया है, और 30 डिग्री जो पहाड़ी क्षेत्र में है उससे भी अधिक हो गया है। अब तब हम लोग फिर गंभीर हीट वेव को जानते हैं। अगर उतना नहीं आपको जम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मापदंड को याद करना 40 और 30। और दूसरा जो मैं इससे पहले आपको बताया हीट वेव को, और मैं आपको परिभाषा उसको समझाया कि किस तरीके से होता है, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो जो हीट वेव है, हीट वेव तो हम लोग अच्छे से समझ गए, कारण भी समझ गए, तो अब हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि जो IMD है वो, अब देखिए ये सब चीज़ का है सरकार के अंतर्गत, ये एक अलग विंग है ना, तो ये जो विंग है ये ही अगर हम लोगों को, इसका काम ही है सरकार के अंतर्गत ही है तो सरकार ही कर रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको और थोड़ा सा अंदर जा करके ये समझ रहे हैं कि जो IMD है वो हम लोग को यहाँ पे पूरा संरक्षण का यहाँ पे कार्य करती है, उसी की जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे ये समझते हैं कि जो IMD है ये हम लोगों को किस प्रकार जो है हीट वेव से बचाने के लिए क्या क्या चीजें, ऐसे पहल और उपकरण का यहाँ पे उपयोग करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि आप जैसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि एक तरीके से वो लोगों को जो है गर्मी का यहाँ पे सूचना भी हम लोगों को पहले से ही दे देती है। आप देखे होंगे कई बार, अभी हम लोगों के, आप लोगों का भी अगर ऐसा सिस्टम होगा तो, कि हमारे मोबाइल में भी मैसेज आता है कि आज इस दिन से या फिर इस तारीख से इस तारीख तक जो है बहुत ज़्यादा जो है लू चलने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी बढ़ने वाला है, तो आप लोग कृपया घर से ना निकले, इस तरीके से मैसेज भी आता है। तो उसी तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से जारी करके न्यूज में डाल करके, है ना, तो ये सब चीज़ों से जो है हम लोगों को पहले से ही एक तरीके से सचेत करती है, तो ये भी एक काम हुआ है ना। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या है, लोग नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो ऐसे में कम घटनाएं होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा कि आपदा प्रबंधन अधिकारियों को आवश्यक तैयारी के लिए भी यहाँ पे सचेत करना, ये भी एक पहल हो गया, एक कार्य हो गया है ना, जो कि IMD के द्वारा ये सब चीज किया जाता है हम लोगों को हीट वेव से संरक्षित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए IMD तापमान संबंधी यहाँ पे रुझानों में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए मौसमी दृष्टिकोण तथा विस्तारित सीमा पूर्वानुमान भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी वो अवलोकन करता है कि क्षेत्र में किस तरीके से जो है हीट वेव का प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद से वास्तविक समय अपडेट के साथ अगले 5 दिनों के लिए यहाँ पे दैनिक पूर्वानुमान भी देता है। फिर हीट वेव सहित चरम मौसम की घटनाओं के लिए यहाँ पे कलर कोडेड चेतावनियां भी देता है। मतलब जैसे कि हम लोग जब रोड में चलते रहते हैं तो लाइट्स होते हैं ना रुकने के लिए, कि जैसे ग्रीन है तो ठीक है, अच्छा स्थिति है, येलो है तो थोड़ा सा धीरे चलेंगे, रेड है तो रुकेंगे, तो इसी तरीके से इसका भी यही सेम कलर यही है, सब में लगभग नॉर्मल यही रहता है ना। तो अगर येलो, इसमें भी ऐसी कोड रहता है कि येलो है तो थोड़ा सा जो है गंभीर स्थिति है, थोड़ा बहुत थोड़ा आराम से सचेत होकर के चलना, रेड है तो पूरा रेड अलर्ट, तो इस तरीके से ये भी जारी करके हम लोगों को सचेत करने का काम करता है। उसके बाद से हीट एक्शन प्लान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ एक साथ दोनों मिल करके यहाँ पे फिर ये हीट वेव चाहे इस तरीके से मौसमी आपदा के लिए जो है ये लोग मिल करके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से गर्मी से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में यहाँ पे योजनाओं का कार्यान्वयन भी करते हैं, ठीक है। मतलब किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उस क्षेत्र को एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वहाँ पे जो जो चीज़ें ज़रूरत है उस तरीके से वो लोग वहाँ काम करते हैं, ठीक है। देखिए हीट वेव इंडेक्स भी जो है वो लेकर के आता है IMD, ठीक है। तो देखिए हीट, यहाँ पे हीट इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें तापमान और आर्द्रता दोनों को इसमें एक तरीके से माप करके उसको उसके हिसाब से विचार करते हैं कहाँ पे किस तरीके से तापमान है आर्द्रता है, लगातार उसको
मेजरमेंट करते रहते हैं, ठीक है। और आईएमडी और यहाँ पे आरटी जो है, ये प्रायोगिक आधार पर जो है हीट इंडेक्स लॉन्च ये लोग किए हैं, ये लोग दोनों मिल करके, ठीक है। और आगे देखिए, इनका जो उद्देश्य है ये हीट इंडेक्स का, इसका उद्देश्य हम लोग को पता ही है वैसे भी, उच्च और यहाँ पे स्पष्ट तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन यहाँ पे प्रदान करना, ठीक है। तो ये हीट इंडेक्स क्या है और ये कौन निकालता है, तो हम लोग को ये भी समझ में आ गया, ठीक है। इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है, आईएमडी और आरटी के द्वारा, ठीक है। ये आरटी का शायद मैं यहाँ पे नहीं देख पाया हूँ, या फिर होगा शायद, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डाउट में हूँ, देख लेंगे आप उसको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से क्या है कि हीट वेव जो है, हीट वेव क्या है, हीट वेव के कारण क्या है, हीट वेव जो उसके प्रभाव तो हम लोग को पता ही है कि स्वास्थ्य रूपों में हम लोग जितना स्वास्थ्य, जितना भी इस तरीके से बीमारियां वगैरह होती हैं सब हीट वेव के कारण से, तो वो सब हम लोग जानते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देख लिया कि बचाव के लिए जो है वो किस तरीके से काम करती है, जो आईएमडी है वो, मतलब आईएमडी को हम लोग मेन वहां पे रख करके समझे। एक चीज और मैं आपको पहले बता देता हूँ, आईएमडी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मेरे यहाँ पे है ये भी रखा हुआ, देखिए आईएमडी यहाँ पे इसको भी रखा हुआ हूँ। तो जो आईएमडी है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ना, जिसको आईएमडी शॉर्ट फॉर्म नाम है, इसकी स्थापना जो है यहाँ पे 1875 में हुई थी, ठीक है। और ये भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय की एक एजेंसी है और यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए यहाँ पे प्रमुख एजेंसी है। तो ये सब चीजों पे ये मिलकर के जो है काम करती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को जानना जरूरी था, ये भी जान गए। तो इस तरीके से जो है ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया, एकदम सरल इसमें क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और आप ज्योग्राफी में अगर आप देखते हैं तो उस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही रहता है। हम लोग को कितना समझना है, किस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना है, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर में प्रश्न भी आया हुआ है प्री में, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, वर्तमान में निकट भविष्य में भारत की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए संभावित सीमाएं क्या हैं, 2010 में पूछा गया प्रश्न है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर्याप्त रूप से, यहाँ पे प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत अनुसंधान एवं विकास में अधिक धन का निवेश नहीं कर सकता है। फिर तीसरा यहाँ पे, भारत में अनेक विकसित देशों ने पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग स्थापित कर लिया है। देखिए, अभी जो 2023 का जो एग्जाम हुआ, ठीक है, और आप पिछला एग्जाम देखेंगे तो वो क्यों हम लोग जो है इस बार जो डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, इस तरीके से हम लोग बार बार बोल रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। और कारण आप यहाँ भी आपको दिखेगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है, अगर आप थोड़ा भी अच्छे से समझे होंगे ना, पढ़ने में आप समझदार हैं, तो आप इस प्रश्न को समझ करके भी बना सकते हैं। लेकिन अभी का आप देखिए प्रश्न, आपको अगर अच्छे से याद नहीं है कोई पॉइंट कोई चीज, तो आप उसको सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। बहुत ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया है कि आपको जहाँ पे अच्छे से याद होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे। अभी जैसे देखिए, इसमें क्या बातें बोली जा रही हैं, ये प्रश्न क्या मांग कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ग्लोबल, और ये देखिए क्या किया पता है, थोड़ा सा बस समझदारी लेवल पे ये लोग क्वेश्चन को घुमा दिए हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बोला गया है, इस प्रश्न का भाव मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का स्थिति हमारे देश में है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का जो स्थिति है वो हमारे पास है, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा घटना हो जाए या कुछ ऐसा घटनाएं हैं हमारे साथ, एक तरीके से पारिस्थितिक रूप से, ठीक है, या फिर प्राकृतिक रूप से, ठीक है, मतलब हमारी स्थिति ऐसी है, मान लो ऐसा टाइप से ये बोलना चाह रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक हमारा ऐसा स्थिति ही है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग से जो लड़ने में ऐसी ही मदद कर देगा, कहने का मतलब यहाँ भी यही है। तो ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे कि मैं इसको थोड़ा एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ, ठीक है। अगर हमारे देश में यूरेनियम, जो कि बहुत ज़्यादा एक अभी बहुत जगह पे प्रतिबंधित ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, तो यूरेनियम मान के चलिए ये क्या है, पॉल्यूशन से लेकर के हमारे रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास यूरेनियम ही नहीं होगा तो हम लोग क्या इससे कुछ भी ऐसे खतरनाक चीज बना पाएंगे क्या? बना ही नहीं पाएंगे। तो वही यहाँ पे बताई जा रही है, यहाँ पे भी वही प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा क्या क्या संभावनाएं हैं हमारे पास, कि जिससे पहले से ही हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है कहीं ना कहीं उसमें एक सीमा रेखा लगा हुआ है, हम लोग वहां तक नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा प्रश्न पूछना चाह रहा है ये। देखिए जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। एक तरीके से जो है हमारे पास कुछ भी आधुनिक उपकरण जैसी सुविधाएं जो है हमारे पास अभी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल अगर ये नहीं है हमारे पास, वैसे भी नहीं है, इसलिए तो हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारे लिए एक सीमाएं रेखा लगी हुई है कि हम लोग बहुत ज्यादा उसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में संभावित सीमाएं क्या हैं? तो कम करने में बढ़ेगा नहीं, वही कम होगा, उसका मतलब वही है। तो यहाँ पे जब हमारे पास उस तरीके का चीज ही नहीं है, यहाँ जिस तरीके से औद्योगिक चीजें हम लोग जो देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, तो वो चीज हमारे पास नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे साथ कहीं ना कहीं कम होने में इसमें मदद मिल जाएगा भाई, नहीं हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। दूसरा चीज यहाँ क्या बोल रहा है कि भारत अनुसंधान और विकास में अधिक धन निवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ भी इसका क्या मतलब है, भारत के पास इतना ज्यादा धन अभी वैसा भी नहीं है, उस स्थिति में ही नहीं है, अभी तो हम लोग खुद एक विकासशील कंट्री के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हम लोग अनुसंधान में भी बहुत ज्यादा निवेश नहीं कर पाते हैं, हम लोग हर तरफ से देख करके ही चलना पड़ेगा। तो जब हम लोग बहुत ज्यादा अनुसंधान में निवेश ही नहीं करेंगे, तो हम लोग बहुत इस तरीके से हाई फाई टाइप का टेक्नोलॉजी या फिर पॉल्यूशन बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी, इस तरीके का यूज भी हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं ये भी एक सीमा रेखा बनाता है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके पॉल्यूशन हम लोग कम कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक रोक सीमा लग गया ना, कि हमारे पास पैसा नहीं है, निवेश करने के लिए उतना धन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ दोनों ये सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में अनेक विकसित देशों ने पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग स्थापित कर दिए, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसे गलत ही है ये, है ना, तो ये गलत हो जाएगा और ये दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे केवल समझदारी लेवल से प्रश्न बना है, लेकिन अब जो है प्रश्न की प्रवृत्ति बदल गई है। अब देखिए यहाँ पे 2013 में मेंस का प्रश्न पूछा गया है, संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताइए। ताप द्वीपों के ऐसे ऐसे वर्ड्स बस इसमें थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि वर्ड्स का मीनिंग आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप फिर प्रश्न को ही नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप द्वीप, शहरी निवास स्थान वहां ताप द्वीप कैसे बनेगा, मतलब तापी क्षेत्र, तापमान किस स्थान में बन जा रहा है, ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस क्षेत्र को उस वर्ड में बोल दिया कि तापीय द्वीप बनने के कारण बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, देख लिया आप, ये सब इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो अब जो है प्रश्न यहाँ से इस तरीके से ही बन सकता है ना, तो थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न बन सकता है, जैसे कि हीट वेव से आप क्या समझते हैं, हीट वेव के कारणों का वर्णन करते हुए मौसम विज्ञान विभाग के महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए और इसको 250 शब्दों में उत्तर दीजिए इसका। तो ये आप लोगों का ये प्रश्न है, ठीक है, मेंस राइटिंग के लिए आप लोग सभी इसको आंसर लिखेंगे इसका और टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे, ठीक है, और सभी एक दूसरे का रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे आपको जो गलत लगता है उसके पे कमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ ये चीज अगला आदमी उसको सुधार कर लेगा फिर।
तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है इसमें। अब हम लोग आते हैं कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसको हम लोग पहले देखे थे लेकिन बार बार न्यूज़ में आ रहा है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी है। देखिए इसमें इतने सारे कोर इंडस्ट्रीज हैं तो बार बार ध्यान से उतर जाएगा, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। और एक लंबे समय के बाद अगर फिर से न्यूज़ में आएगा तो उसको पढ़ाने बनता भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये जो IIP है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इसके द्वारा फिर से यहाँ पे हर महीने जो है यहाँ निकाला जाता है ये रिपोर्ट। तो इस महीने फिर से अभी ये हुआ कि एक अच्छा स्थिति हुआ हमारा, जितना यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं ना, उनमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन वो लोग किए हैं, काफ़ी अच्छा वृद्धि किए हैं, तो इसलिए हम लोग फिर से यहाँ पे न्यूज़ में आ गए हैं। नहीं तो नॉर्मली उस तरीके से हर बार नहीं आता है, लेकिन कभी कभी कुछ अलग से ऐसा कुछ हो जाए तो फिर हम लोग को न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ से प्रश्न भी आता है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोर इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं। तो देखिए जितने भी कोर इंडस्ट्रीज हैं ना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको हम लोग कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत देखिए यहाँ पे ये 8 हमारे पास जो है कोर इंडस्ट्रीज हैं, देखिए कौन कौन से और उनका वैल्यू कितना है। सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, परसेंटेज आपको दिख रहा है सभी में। तो रिफाइनरी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है। रिफाइनरी जो इंडस्ट्री है वो हमारे सबसे पहले नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा भार इसी का है। उसके बाद से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है, बिजली का है। यहाँ पे ये 19% आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 19% यहाँ पे भार है, यानी कि दूसरा नंबर पे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद से आप देखते हैं कि स्टील जो क्षेत्र है, स्टील हमारा यहाँ तीसरे नंबर पे है। स्टील का जो एक इम्पोर्टेंस है, एक भार है इसका, ठीक है। और इसके बाद से आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे कोल जो इंडस्ट्री है, कोल क्षेत्र जो है ये हमारे चौथे नंबर पे आता है, और फिर पांचवें नंबर पे आता है क्रूड ऑयल, फिर छठे पे आता है नेचुरल गैस, और फिर सातवें पे आता है सीमेंट, और आठवें पे आता है फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ भी वो सारी चीज़ों को मैं बताया हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यही जो है ये सूचकांक निकालता है, जिसको IIP भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स लगातार जो है हर महीने में निकाल कर लेकर के आता है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, मतलब ये जो ये नाम है ना, इंडेक्स का नाम है, मतलब ये नाम है, तो इस नाम के अंतर्गत ही हम लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसको जो निकालने वाला है वो CSO है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक है ये, जितने भी अभी मैं आपको कोर सेक्टर का इंडस्ट्रीज जो दिखाया है उसमें किस तरीके से वो लोग उत्पादन करें, उस हिसाब से ये जो है एक सूचकांक लेकर के आता है। और एक संकेतक है जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा मासिक रूप से यहाँ पे संकलित और प्रकाशित किया जाता है। IIP के लिए आधार वर्ष जो है वो 2005 रखा गया था, लेकिन उसके बाद से अभी जो है संशोधन करके यहाँ पे अब 11-12 रख दिया गया है, 2011-12, ठीक है। और ये जो IIP जो है ये अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्रों का जो है एक तरीके से प्रमुख आर्थिक संकेतक भी है, ठीक है। तो ये IIP के बारे में भी हम लोग समझ गए अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे MSME के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष। ये इस तरीके के जो चीज़ें होती है MSME, ठीक है, ये सब हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सेक्टर से इकोनॉमिक आप देखेंगे कि वहाँ पे ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे प्रश्न लगातार इन सबसे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, PIB का ये टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है, ठीक है, उसने जो है यहाँ पे लोकसभा में लिखित उत्तर के दौरान जो है आत्मनिर्भर भारत कोष का एक तरीके से इसके संबंध में जो भी विज्ञप्ति वगैरह देना है, ये सब चीज़ें जो हुआ, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अब ये हमारे लिए न्यूज़ में आ गया, अब हम लोग को इसके बारे में अच्छे से समझना है,
और ये काफी इम्पोर्टेंट कोर्स भी है, मतलब जो ये आत्मनिर्भर भारत कोर्स के नाम से ये जाना जा रहा है, और ये समर्पित है एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, है ना, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, इसमें तीन प्रकार के उद्योग आते हैं, तो उनको अच्छे से बढ़ावा देने के लिए ये पूरा समर्पित है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ मेन मेन जो बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से एमएसएमई को इक्विटी निवेश के लिए 50 करोड़ रुपए की यहाँ पे मतलब एक तरीके से आवंटन की घोषणा यहाँ पे की है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एसआरआई है, एसआरआई इसी का नाम है, आत्मनिर्भर भारत जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है। एसआरआई फंड जो है ये इक्विटी, अर्ध इक्विटी निवेश के लिए यहाँ पे मदर फंड और डॉटर फंड स्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होता है, मतलब अलग अलग फंड के रूप में रखा गया अलग अलग काम के लिए, तो उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में बांट दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड को एसआरआई कोष के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पे मदर फंड के रूप में नामित किया गया है। तो ये मदर फंड है, ठीक है, ये याद रखेंगे, NVCFL ये मदर फंड है, इसके द्वारा जो है, जो मदर फंड के अंतर्गत जितना भी काम है वो ये संभाल रहा है। फिर यहाँ पे सेवी के साथ जो है श्रेणी दूसरा वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में यहाँ पे पंजीकृत किया गया था, तो सेवी भी इससे संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा आत्मनिर्भर भारत जो कोष है वो क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। क्या है तो हम लोग समझ गए, उद्देश्य से हम लोग को किसी चीज़ की प्रकृति अच्छे से समझ में आती है। तो यहाँ पे देखिए कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि उच्च क्षमता वाले एमएसएमई को यहाँ पे इक्विटी फंड प्रदान करना, उनके विकास एवं बड़े उद्यमों में परिवर्तन को बढ़ावा देना, नवाचार, उद्यमिता, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देकर के भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना, तकनीकी उन्नयन, अनुसंधान, विकास, एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच बनाने बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण भी यहाँ पे बनाना। तो इस तरीके से अगर इसका एक व्यावहारिक तरीके से समझाऊं तो ये जो आत्मनिर्भर भारत कोष है ये जो है ये हम लोग के जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको अच्छे से आगे और बढ़ाना चाहता है लगातार, उनके उन, 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 उन उनको जो है उनके विकास के लिए जो है एक अच्छा वातावरण बनाना चाहता है ये। ठीक है, और ये मेन चीज कोष है, मतलब एक तरीके से क्या है, पूरा पैसे का एक फंडिंग है ना। तो एमएसएमई को एक तरीके से फंडिंग करना चाहता है अलग अलग उद्देश्य के लिए, किसी जगह पर दिख रहा है कि वहाँ वातावरण उस तरीके से नहीं बन रहा है तो उस जगह पे जो है इंडस्ट्रियल जो एक वातावरण होना चाहिए, उद्योगिक वातावरण होना चाहिए, एमएसएमई के विकास के लिए वातावरण वैसा होना चाहिए, तो उसको बनाने के लिए फंड करेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं एमएसएमई का क्या स्थिति है, तो कुछ कुछ एक दो पॉइंट है बस। जैसे कि एमएसएमई से तात्पर्य क्या है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इसमें आते हैं। भारत का जो एमएसएमई क्षेत्र है वो देश के कुल जीडीपी में लगभग यहाँ पे 33% का योगदान करता है, तो एक अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। और हालांकि 2028 तक जो है भारत में इसका कुल निर्यात जो है $1 ट्रिलियन का योगदान करने का अनुमान है, तो ये अनुमान लगा करके चलेंगे, वास्तविक चीजें जो है यहाँ पे ये है कि जीडीपी में लगभग इसका 33% योगदान रहता है। और देखिए ये जो एमएसएमई है ना, ये एक एमएसएमई जो है, हम लोग जितना स्टार्टअप ये सब जो अभी जितने बिजनेस वगैरह ठेले ठेले पे जो बिजनेस चल रहे हैं ना वो सब एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं, तो ये नए नए चीजों का एक बढ़ावा देने देता है ये एमएसएमई जो है। ठीक है, इससे छोटे छोटे अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इससे रोजगार भी अच्छा बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये थोड़ा फेवरेट हो जाता है यूपीएससी का इकोनॉमी के दृष्टि से। एमएसएमई का महत्व देखिए, अब महत्व समझना पड़ेगा, तो रोजगार सृजन, एमएसएमई लगभग 110 यहाँ पे मिलियन रोजगार अवसर प्रदान करते हैं, जो कि भारत की भारत में कुल रोजगार का 22 से 23% है, सोच लीजिए आप। फिर यह बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करने और समावेशी विकास के साथ ही निर्धनता को कमी लाने में भी ये योगदान करता है। ठीक है, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा, इसमें भी ये
बढ़ावा देता है, जैसे कि एमएसएमई क्षेत्र जो है उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। यह व्यक्तियों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है, साथ ही नवीन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए भी योगदान करता है। ग्रामीण विकास के लिए वरदान इसमें भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास होता है। वृहद स्तर पर कंपनियों की तुलना में एमएसएमई ने न्यूनतम पूंजी लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में सहायता भी की है, तो इस कारण से भी ये इम्पोर्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न भी यहाँ से बना हुआ है, प्रश्न को समझते हैं। यहाँ से दो तीन प्रश्न बना हुआ है, अभी हम लोग लगातार देखने वाले हैं उसको। देखिए पहला प्रश्न, विनिर्माण क्षेत्र में क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? 2012 का यह प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी नीतिगत पहल जो है वो करिए, देखिए ये किसी भी चीजों को सोचने के लिए आपको याद रखना होगा कि कब प्रश्न पूछा गया, तो जब जैसा प्रश्न पूछा गया उस स्थिति के अनुसार से पूछा गया था। लेकिन हम लोगों को समझना है, बस हम लोगों को उससे सीखना है कि यूपीएससी उस स्थिति में कैसे माइंडसेट रखती है ना। उस स्थिति के अनुसार से प्रश्न पूछा गया तो जरूरी नहीं हमारे लिए भी वैसा प्रश्न पूछा जाए। हालांकि आप 2023 को छोड़ करके जितना भी आप मैं अभी एनालिसिस करूंगा आपको बहुत आसान लगेंगे, पता है, जो 2023 आप देखेंगे प्रश्न उसके मुकाबले में बाकी हर एक एग्जाम आप जितना दिए हैं सब आपको आसान लगेगा। देखिए यहाँ पे 2012 का है पहला, देखिए यहाँ पे पहली बात इसमें यह बताई जा रही है प्रश्न में कि राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, मतलब नीतिगत पहल क्या क्या ऐसा किया गया जिसमें विनिर्माण क्षेत्र जो है वो बढ़ावा मिले उसको, ये बोला गया बस भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नीतियों पहल के बारे में। तो पहला है कि राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, बिल्कुल करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा वो सब। तो एकल खिड़की मंजूरी, सिंगल विंडोज, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है, की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल ये भी था। मतलब एकल खिड़की मंजूरी का क्या मतलब है, अब जैसे किसी भी चीज के लिए लगातार आदमी जो है इधर से उधर, यहाँ जाइए वहां जाइए, दौड़ाते रहते हैं किसी भी चीज का मंजूरी लेने के लिए, चेक करने के लिए, है ना। वो सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे अब नहीं होंगे, एक बार आप किसी चीज का एक खिड़की पे खड़े रहिए वहां से आपको पूरा काम मिल करके वापस हो करके वापस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब ये एक चीज यहाँ पे किया गया, बिल्कुल किया गया था। फिर उसके बाद से प्रौद्योगिकी और अधिग्रहण एवं विकास कोष की स्थापना, तो इसकी भी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से ये तीनों जो है हम लोगों को ऐसे भी देखने से पता चल रहा है कि हाँ विनिर्माण क्षेत्र के लिए सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल है, इसलिए हम लोग तीनों को, तीनों यहाँ पे सही आंसर था, ठीक है। अगला देखिए, फिर एक प्रश्न पूछा गया 2011 में कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है, ठीक है। अब स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम को लागू करना। तो तीनों जो है समावेशी विकास का मतलब क्या है, हर चीज समावेशन, हर चीज में हर चीज को एक साथ लेकर के हर चीज यहाँ पे विकास करना। तो स्वयं सहायता समूह से क्या बढ़ेगा, स्वयं सहायता समूह से जितने भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं का एक तरीके से किस तरीके से वो लोग इस तरीके से लेकर के एक आर्थिक अपने आप को एक सशक्त बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग अभी अभी इनोवेशन भी कर, मतलब अलग अलग चीजें एक साथ मिल करके कुछ आर्थिक रूप से कुछ चीजें बनाना, उसका बिजनेस करना, ये सब चीजों करके अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग इसमें भी आप देख रहे हैं लगातार इसमें लोग आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। और शिक्षा, शिक्षा के बिना तो हर चीज अधूरा है, तो समावेशी विकास कहाँ से हो पाएगा, तो ये भी है इसके अंतर्गत, है ना। तो ये तीनों सही है, तो इसमें भी तीनों सही था। आप देखिए ये एक प्रश्न आया है 2023 का, अब 2023 में किस तरीके से प्रश्न आया देखिए, यहाँ पे पूरे मतलब हालात बदल गए, वही एक डायलॉग है ना, जज्बात बदल गए, वैसे ही कुछ है यहाँ भी।
देखिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 2030 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो है यहाँ पे उसका विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनका संयंत्र और मशीन में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच में है वे मध्यम उद्यम है। देखिए एक चीज है, अब इस तरीके का प्रश्न देखिए इसमें डाटा वगैरह सब आने लगा, अभी तक हम लोग देखे थे क्या इससे पहले का जो सन में आप देख रहे थे, और ये अभी तत्काल 2023 का एग्जाम के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये फर्क हो गया है अब। लेकिन एक चीज और है, ये न्यूज में था उस समय, ठीक है, और ये जो इनका जो क्राइटेरिया वो सबको चेंज भी किया गया था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि प्रश्न अब क्या है डाटा के ऊपर भी आ गया है। अभी आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के को दिए गए सभी यहाँ पे बैंक ऋण जो है प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन ही अर्थ होते हैं, जिसको बोल रहे हैं वो अधीन अर्थ होते हैं या अर्हर होते हैं इस तरीके से, मतलब एलिजिबल होते हैं अगर हिंदी बोले तो। तो इस तरीके से इसमें अब जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये गलत है, और यहाँ पे केवल दूसरा सही है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, इसमें डाटा वगैरह दिया हुआ है वो गलत है, बाकी ये ठीक है कि लघु सूक्ष्म जो मध्यम उद्योग जो है वे सभी बैंक जो ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र को देख करके वो लोग उस तरीके से एलिजिबल होते हैं ऋण के लिए, ठीक है। और इसमें एक जो है जानकारी भी था तो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ कि सूक्ष्म उद्यम जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे टर्नओवर के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे सूक्ष्म उद्यम। और लघु उद्यम जो रहेगा वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए के बीच में यहाँ पे निवेश रहेगा, 5 करोड़ से 50 करोड़ के रूप में टर्नओवर रहेगा उसका, तो हम लोग इसको लघु मध्यम लघु बोलेंगे। फिर मध्यम जो उद्योग रहेगा उसमें यहाँ पे 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए के बीच में जो है निवेश रहेगा उसका, और 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर रहेगा तब हम लोग उसको कहेंगे मध्यम उद्योग, ठीक है। जितना प्रश्न वगैरह था हम लोग को देख लिए, अब हम लोग का दूसरा टॉपिक इसमें लास्ट आखिरी टॉपिक है, और इसको आप जो अभी मैं पिछले दिन जो महिलाओं से संबंधित चीजें पढ़ाया था उसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे चल करके इस तरीके की जो बातें हैं अब आगे चलने वाली हैं, तो आप इसको तैयार करके रखिए, ठीक है। महिला श्रम बल भागीदारी ये क्या है इसको समझते हैं। अभी न्यूज में था ये कि तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के अवैतनिक श्रम को मान्यता प्रदान करते हुए महिलाओं के लिए एक बुनियादी आय योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ अवैतनिक श्रम, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि अवैतनिक श्रम का क्या मतलब होता है। अभी ज्यादातर यहाँ पे ये भी कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अब महिलाएं घर में जिस तरीके से जो काम करते हैं उनको ये माना जाता है, ठीक है, समाज में ये देखेंगे कि उनको ये मान करके चला जाता है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, मतलब घर का काम जो है वो काम नहीं है, इस तरीके से जो एक मानसिकता जो है चल रहा है उसी के एक तरीके से उसी के तोड़ में ये जो है योजनाएं निकाली गई हैं, ये मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अब उन महिलाओं को जो कि घर में भी जो काम कर रहे हैं अब उनको भी जो है काम के रूप में माना जाएगा कि वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं ये माना जाएगा। और उसी तरीके से जो है तमिलनाडु की सरकार ये योजना भी लेकर के आई है, तो इसलिए हम लोग को उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस योजना के तहत जो है पात्र परिवारों की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ये योजना है। और वैवाहिक जीवन में एक महिला बच्चे को जन्म देने के साथ साथ उसका पालन पोषण करती है, घर का भी ध्यान रखती है, महिलाओं को इस अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता, ऐसे में श्रम बल में उनकी भागीदारी में बाधा आती है। तो जो चीज मैं आपको बताया वही यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए आगे और कि
अब यहाँ पे जो है जो महिला है, महिला श्रम बल भागीदारी में कमी क्यों होता है, मतलब इसका पूरे वर्ड जितना भी अभी मैं वर्ड बताया उसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। महिला श्रम बल भागीदारी, साधारण भाषा में महिलाएं जो है वो काम करने के क्षेत्र में इतना कम क्यों है, ठीक है। नौकरी के क्षेत्र में जितना भी हम लोग जिस तरीके से पुरुष हर काम करते हैं, महिलाएं उस तरीके से उतना ज्यादा काम नहीं कर रही हैं, वो हर जगह पे उस तरीके से जुड़ी हुई नहीं दिखती हैं। तो क्यों नहीं दिखती हैं, बस उसका क्या कारण है, तो यहाँ पे अब कारण हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, अब इसी चीज को माइंड में रखिएगा। वर्ड्स जो रहते हैं, वर्ड अगर बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो हम लोग को कुछ चीज फिर समझ नहीं आता है। पितृसत्तात्मक समाज, सामाजिक प्रथा, यानी कि पुरुष के प्रति, पुरुष के अनुसार सामाजिक प्रथा, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि पितृसत्तात्मक जो है मापदंड और लैंगिक आधार पर निर्दिष्ट पारंपरिक भूमिकाएं अक्सर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसर को, यहाँ पे तक पहुंच को सीमित करती हैं। इस कारण से जो है ये लोग श्रम जो है काम करने में ये लोग थोड़ा पीछे रहते हैं, इनको मतलब उतना ज्यादा एक मानसिकता ही है कि यहाँ महिलाएं औरतें जो है वो काम नहीं करेंगे, तो इस कारण से जो है कहीं ना कहीं इनका जो स्थिति है वो पीछे रह गई है, ठीक है। ये लोग बराबरी में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। दूसरा, गृहिणी के रूप में यहाँ महिलाओं की जो भूमिका के संबंध में सामाजिक अपेक्षाएं और श्रम बल में उनकी सक्रिय सक्रिय भागीदारी को भी हतोत्साहित करती है ना। तो ये सब भी काम है कि महिलाएं जो है घर में गृहिणी के रूप में काम करेंगे, तो इस कारण से जो है वो श्रम बल में जो है इनकी भागीदारी बाकी पुरुषों से पीछे है, मतलब कम कम है। देखिए आगे और क्या कारण है, पारिश्रमिक, यहाँ पे पारिश्रमिक में अंतर, ये सब क्या मतलब समझ में आ रहा है ना, ये सब कारण है जिसमें औरतें जो है काम करने में हम लोग मतलब पुरुषों के बराबर नहीं रहती हैं, उन लोग थोड़ा सा पीछे रहती हैं, ठीक है। मतलब उनका जो स्तर रहता है वो हम एक दूसरे के दोनों बराबर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो महिलाएं जो है हर जगह पे उस तरीके से काम करने में आगे क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है वो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पारिश्रमिक में अंतर, अगर आप लोग इस इतना ज्यादा गौर से देखे होंगे, समझे होंगे, मैं तो समझा हूँ, अगर आप भी इस तरीके से समझे होंगे देखे होंगे तो आप कभी अगर नहीं देखे होंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप अगर किसी कहीं भी देखेंगे जहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिला और पुरुष जहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, आप जैसे कि कोई घर बना रहा है तो वहां पे आप देखेंगे कि जो लेबर्स वगैरह वो लोग जाते हैं, मिस्त्री जाते हैं, तो देखेंगे लेबर के अंदर भी डिवाइड रहता है, महिलाओं को अलग पैसा मिलता है, पुरुषों को अलग पैसा मिलता है उसी कार्य के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें अंतर जो है वो आपको एक जमीनी लेवल पे मैं बताया, ऐसे हर एक जगह पे आपको दिखेगा कि महिलाओं के लिए अलग से वो लोग वेतन रखते हैं, ठीक है, और पुरुषों के लिए अलग से वेतन रखते हैं। तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं जो है महिलाएं जो है यहाँ पे काम करने में एक तरीके से जो है उन अब हतोत्साहित होंगे इसमें भी, है ना। वो लोग इस तरीके से देखेंगे कि उसी काम के लिए अगर पैसा कम मिल रहा है महिलाओं को तो वो लोग थोड़ा सा हतोत्साहित होंगे, ठीक है। तो ये बात बात बोली जा रही है। फिर एक रिपोर्ट है यहाँ पे, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 82% जो है श्रम आय पर पुरुषों का कब्जा है, जबकि श्रम आय पर महिलाओं की जिम्मेदारी केवल 18% है, ठीक है। तो ये एक डाटा है, याद रखिएगा, समय लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लास्ट ही है, चलिए देखते हैं आगे। और देखिए अवैतनिक देखभाल कार्य, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाओं को कुछ समझा ही नहीं जाता है, उस काम के लिए उनको वेतन भी नहीं मिलता, तो इसके कारण से भी कहीं ना कहीं श्रम बल में उनकी भागीदारी कम हो रही है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे और देखिए एक डाटा है कि भारत में विवाहित महिलाएं अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम पर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक जो है समय योगदान वहाँ पे करती है, जबकि पुरुष जो है वो 3 घंटे से भी कम योगदान करते हैं। तो इस कारण से भी जो है ये लोग का भागीदारी कम हो रहा है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कुछ समुदायों में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को पूर्वाग्रह एक तरीके से का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल जिस तरीके से परंपराएं चल रही है फिर उसका भी लोग सामना करते हैं, ये सब आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये सब कारण है, ठीक है, सब कारण है,
ये कारण याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कुछ डाटा और है यहाँ पे कि भारत की महिला श्रम बल भागीदारी जो दर है अपनी भारत की 24% है, जो कि ब्रिक्स देशों और चुनिंदा कुछ दक्षिणी एशियाई जो देश हैं उनसे कम है, मतलब सबसे कम है। मतलब हमारे देश में जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं श्रम बल भागीदारी में वो लोग की कमी है, वो लोग की स्थिति जो है कम है। सबसे अधिक महिला आबादी वाला जो देश वो है चीन, 61% के साथ अधिक महिला श्रम भागीदारी दर का भी दावा करता है। तो इस तरीके से वो कहता है कि हमारे जो देश में जो है महिलाएं अधिक श्रम बल में भागीदार हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं इससे। ये सब डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला जो हम लोग पढ़े वहां एक साथ ये सबको रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्रम बल में महिलाओं के उच्च भागीदारी का समाज पर एक क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें हम लोग को यहाँ पे अब समझना है कि मतलब हम लोग ये माइंडसेट में रखे हैं कि जैसे पूछेगा प्रश्न में कि महिलाओं को भी अगर श्रम बल में अगर भागीदारी दिया जाए या उनको वो लोग भी भागीदार अगर होते हैं तो क्या स्थिति होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में, इकोनॉमी में, है ना। तो ये सब चीज को हम लोग देखते हैं। पहला, आर्थिक विकास। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सीधे आर्थिक विकास से संबंधित है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि यहाँ पे उच्च सकल घरेलू उत्पाद GDP में एक समग्र आर्थिक समृद्धि मतलब यहाँ पे में योगदान करेगी। अब बिल्कुल करेगी, जैसे जो क्या है कि यहाँ पे एक व्यक्ति कमा रहा था, अब महिला भी कमाएंगी तो कहीं ना कहीं जो जो कार्य होगा, जो आर्थिक विकास तो होगा ही, पैसे भी आएंगे तो लोगों का भी विकास होगा। ये मानना सीधा सा बात यहाँ से समझ में आ रहा है इस बात से। गरीबी की न्यूनीकरण, बिल्कुल। अब घर में एक आदमी कमा रहे हैं, दो लोग कमाने लगे हैं तो थोड़ा सा पैसा क्या है बढ़ेगा, है ना, कुछ पैसा बचेगा भी तो लोग आगे बढ़ेंगे तो गरीबी उससे धीरे धीरे कम होगा। फिर मानव पूंजी विकास, बिल्कुल मानव पूंजी का भी विकास होगा। आपके पास पैसा, अगर जैसे घर में जिसके पास पैसा नहीं है उस तरीके से, तो आजकल शिक्षा भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पास अब महिला भी काम करे क्या, मतलब केवल ये मान के चलिए कि कुछ यहाँ पे जो है अब जितना पैसा हो रहा था उसमें थोड़ा सा एक पैसे का योगदान और बढ़ गया, तो उसी हिसाब से मैं सारी विचार यहाँ पे करके बता रहा हूँ। तो बिल्कुल मानव पूंजी का भी विकास होगा, खुद महिला का भी विकास होगा, महिला के घर परिवार का भी विकास होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बातें की जा रही हैं, आप पढ़ लेना, बात वही है लेकिन आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। लैंगिक असमानता सशक्तिकरण, ठीक है, सॉरी, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण। तो यहाँ पे लैंगिक समानता भी आएगी, महिलाएं अगर अब हर चीज में बराबरी धीरे धीरे आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि एक समानता, लैंगिक समानता भी धीरे धीरे बनेगा, और सशक्तिकरण, महिलाएं खुद भी सशक्त होंगी तो ये सारी चीजें जो होंगी धीरे धीरे समानता फिर बनेगा ना, अगर वो लोग भी इस तरीके से सशक्त रहेंगे तो ये भी चीज यहाँ से होगा अगर जो महिलाएं हैं वो श्रम बल में भागीदार होंगे तो। फिर प्रजनन क्षमता और जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि में भी कमी आएगी, वृद्धि मतलब जनसंख्या वृद्धि उस तरीके से नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अध्ययनों से ये पता चलता है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रजनन दर में कमी आती है। तो इस कारण से जो है यहाँ पे प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग इसको भी समझ गए। देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है 2017 में, ठीक है, प्रीलिम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है या श्रेणीकरण प्रदान करता है, 2017 का प्रश्न है, मैं इसको बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच है, क्योंकि मैं इसका जितना भी ये रिपोर्ट निकालता सब मैं आपको बताया हुआ था, तो हमेशा देख लेना, आप ध्यान रखना, नोट्स बनाए होगे तो, नहीं तो देखिए अगर आज भले ही जितना भी आज के डेट में हो जाए लेकिन मेरा पिछला जितना भी वीडियो है ना, अगर आप यहाँ तक अभी रुके हुए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। आपको कोई सा वीडियो लेकर के देख लो, डेट से मत ध्यान देना कि उस डेट में है तो कहीं अब पुराना हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक आपको जितने भी डेट जो मैं पढ़ाया हूँ सब में आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीजें और मतलब एक हमारे प्री और मेंस के लिए पावरफुल कंटेंट मिलेगा, तो उस हिसाब से आप उस चीज को पीछे मत रहो, सभी का मतलब आप पूरे तरीके से अच्छे से नोट्स बनाओ समझो।
एक बार अच्छे समझना, फिर आप लगातार उसमें वैल्यू एडिशन ही करोगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न। और देखिए एक मेंस का भी प्रश्न बना है, महिलाओं का सशक्तिकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, विवेचना कीजिए। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है, तो कैसे कर सकता है वो यहाँ पे चर्चा करना है, विचार करना है इस पे। तो इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको डीपली अच्छे से समझिएगा। ये सब जितना मैं प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, आपको प्रीलिम्स का लेकर के आ रहा हूँ, ये सबका बहुत महत्व है। इससे हम लोग दो चीजें समझते हैं, बहुत सारी चीजें समझते हैं। दो चीजें मैं यहाँ पे अभी बताना चाह रहा हूँ कि एक तो है कि हम लोग अभी जो यहाँ पे ये देखे, तो हम लोग जैसे टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ने के बाद से वहां से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लिए, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक को हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस डायरेक्शन में पढ़ना है। अब यहाँ से मेंस में भी हम लोग देखे तो सेम वही चीज है कि हम लोग को उस तरीके से उस टॉपिक को तैयार करना है, अच्छे से समझना है, वहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज का करेंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि वो आपको जो है तुरंत अलर्ट करता है कि आप जो है आज का करेंट अफेयर्स अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।